अस्सलाम वालेकुम। एक्टिंग छोड़ दी उनका, नहीं एक्टिंग नहीं करनी बस। हालांकि बड़ा फिट नाम और बड़ी कमर्शियल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा और स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैंने एक्टिंग छोड़ दी, बस मैं नहीं करती एक्टिंग, दैट्स इट, मैंने नहीं करनी एक्टिंग। अच्छा जी, नहीं करनी, हाँ मॉडलिंग, शो होस्टिंग, यस। और शो होस्टिंग में भी जो मेरी आज की मेहमान है, इनकी एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद है कि इनके सवाल में एक थोड़ा सा सोचा समझा सा, यहाँ पे एक ना खाना जो है वो पता लगता है कि थोड़ा सा भरा हुआ है, खाली नहीं है, वरना टाटा 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 वाली कंपेयरिंग तो बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत आसान होता है, कोई तो मुश्किल काम नहीं है, लेकिन गुफ्तगू के अंदर थोड़ा सा सॉलिड सब्सटैंशियल मैटर लेके आना, ये कुछ लोगों के साथ नेचुरल होता है, कुछ का ओवर द इयर्स ग्रो करता है। एंड आई एम सो वेरी हैप्पी कि उरूज नासिर में ये सॉलिड सब्सटैंशियल मटेरियल बहुत ज़्यादा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आदाब, एंड हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैंने तो आपको पैसे नहीं दिए थे तारीफें करने के। नहीं लेकिन तो वादा तो किया है ना, हालांकि तुमने मैंने कहा उधार उधार का तही, मैंने कहा उधार का तही बंद है, लेकिन फिर भी अब तुमने मुझे कमिट नहीं, बट आई एक्चुअली नाउ नो कि जब व्हेन समबडी कम्स टू माय शो एंड व्हेन आई प्रेज देम, बिकॉज़ आई फील व्हेन समबडी कम्स टू योर शो यू नीड टू टेल द ट्रूथ एंड यू नीड टू मेक द अदर पर्सन फील स्पेशल। एक्जेक्टली, राइट? सो आई एम फीलिंग स्पेशल, थैंक यू। गुड, तुम तैयार माशाल्लाह इतनी अच्छी हो के आई हो ना मेरे शो के लिए, मुझे तो यही बड़ी खुशी हो रही है। खूबसूरत ड्रेस, सीरियसली खूबसूरत, और हमारे शॉट में जूता नजर नहीं आ रहा, जूता ही बड़ा वो एंड पे ले लेंगे एंड पे इंसर्शन लेके डाल देना बाद में सेल्फी। अच्छा जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, फिट? कराची जा रही हो तो मैंने सुना, कराची जा, लाहौर छोड़? मैं क्या, सारे कराची चले गए, चलो हम भी थोड़ी सैर कराएं कराची की। या आई एम गोइंग टू कराची। वहाँ पे एडजस्ट होने में लाहौर की क्या चीज सबसे ज्यादा याद आएगी, मिस करोगी? अगर माँ साथ ना गई तो माँ, हाँ। बट मुझे पर्सनली कराची इतना पसंद है तौसीक, आई पीपल आर मोस्टली व्हेन आई टेल देम दे आर रियली शॉक्ड कि यार कराची पसंद है, एंड आई हैव लिव्ड हियर ऑल माय लाइफ इन लाहौर, बट फॉर सम ऑड रीजन आई हैव दिस इमोशनल अटैचमेंट विद कराची, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। काम बहुत सा काम, हाँ डेफिनेटली, होस्टिंग, एक्टिंग, खुदा हाफिज। स्टेटमेंट नहीं दूंगी, okay, you never know, life is so unpredictable is what I have learned, the permanent thing in life is change, yes, so I don't know, maybe not, lekin filhal acting, not now, lekin uske andar ek bada apna aapka personal emotional catharsis ho jata hota hai acting ke andar, catharsis different ways hote hain आपके करने के, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा है ही नहीं ज़िंदगी में जिसके लिए कैथारसिस मुझे करना पड़े। आई फील दैट अपनी प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं हर इंसान को, डिपेंड करता है कि आप फोकस किस चीज़ पे करते हैं, अगर आप प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे हैं तो बड़ा प्रॉब्लम्स हैं, खुशियों पे फोकस कर रहे हैं तो इतनी खुशियाँ हैं कि आप किस किस का शुक्र अदा करें, तो मुझे लगता है कि जब आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएँ और आपको लगे कि आपने कैथारसिस करना है तो उसके लिए आप दूसरों की मुश्किलों को सुनना शुरू कर दें, एंड व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग टू अदर्स देन यू से थैंक गॉड, दैट्स माय कैथारसिस, सो आई डोंट नीड, आप कहते हैं थैंक गॉड मेरे साथ ये नहीं है या मेरी जिंदगी में, बिल्कुल बिल्कुल, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा, हालांकि यूजुअली लोग दूसरी तरह से चलते हैं, वो कहते हैं अगर आपने अपना कैथारसिस करना है तो अपनी मुश्किलें दूसरों के साथ शेयर करनी शुरू कर दें, किसी को शेयर होल्डर बना लें उसके अंदर ना, किसी को बताना शुरू कर दें, दैट मेक्स मी टेलिंग माय वीकनेसेस मेक्स मी मोर वीक, और मुझे लगता है कि द मोर यू टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स दैट आई डोंट हैव एनी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करम है उसकी जात का, कि मोर यू टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स आई थिंक मोर प्रॉब्लम्स कम टू यू, सो इफ यू हैव प्रॉब्लम्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द गुड थिंग्स इन लाइफ एंड पॉजिटिविटी, एक बुक ने जिंदगी बदल दी, सबसे इम्पोर्टेंट जो जिसकी वजह से थोड़ा चेंज आया लाइफ में, व्हेन आई रेड कुरान शरीफ विद तर्जुमा, ठीक है, आई एम नॉट, पीपल थिंक दैट मैं मौलवी हूँ बट इट्स नॉट लाइक दैट, ह्यूमैनिटी समझ आई है कुरान पढ़ के, दैट्स व्हाट योर कुरान, दिस ब्यूटिफुल बुक
जो कि मैं समझती हूँ जिस हमें इम्पोर्टेंस का पता नहीं. हम बड़ी बुक्स की बात करते हैं कि ये बुक बड़ी अच्छी है, मैंने इससे बहुत सीखा. बट द बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड इन द यूनिवर्स इज़ कुरान, जिसमें आपकी हर प्रॉब्लम का, हर परेशानी का, डिप्रेशन का, हर चीज़ का हल है, राइट? जब वो बुक पढ़ी उसके कुरान शरीफ जब पढ़ा उसके बाद देन आई रेड अनदर बुक एंड इट्स कॉल्ड द सीक्रेट. Oh yes, which has been changing people's lives. Secret has changed so many lives. But I'll tell you something. When I was reading Secret, literally at one point in time, I had tears in my eyes. The reason for that was, मैंने उससे पहले कुरान शरीफ पढ़ लिया था तर्जुमे के साथ. When I was reading Secret, I was like, ये तो लगता है कि जैसे मुझे हर point gratitude की बात Secret में है, positivity की बात Secret में है, you know. हर चीज मुझे लग रहा था जैसे कुरान शरीफ से डिफरेंट चैप्टर्स उठा के तो उस बुक में रखे गए. ये सारी चीज़ें जब इंसान डिस्कवर करता है, जैसा कुरान से तुमने बड़ी अच्छी बात की कि मुझे इंसानियत का पता चला. एब्सोल्युटली. और सीक्रेट भी एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है उसको पढ़ना. क्या ये सारी चीज़ें पढ़ के उनको एक्नॉलेज करके इंसान दूसरों को ये कहता है कि हाँ ये मैंने सीखा, ये मैंने समझा, या उसको अप्लाई करना भी मुमकिन हो पाता है? मसलन क्या तुमने, क्या उरूज बदली है सीक्रेट का, वो पॉजिटिविटी और ग्रेटिट्यूड और सारा, यू नो, एक जिंदगी को देखने का बिल्कुल फर्क जाविया, तो क्या ये वो उरूज नहीं है जो सीक्रेट पढ़ने से पहले थी? देखिए, जिंदगी में जब आपके पास कोई भी चीज़ आ जाती है, एक छोटी सी एग्जांपल मैं देती हूँ, ग्लास है, ठीक है? अब आपको पता है कि ग्लास पड़ा हुआ, मैं इसमें पानी पी सकता हूँ. जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उस चीज़ को कि आप जूस निकालें, आप उसके अंदर डालें, आप उसे पकड़ें, आप उसे पिएं, आपको उसका फ़ायदा नहीं हो सकता. इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वही आपकी ज़िंदगी बदलती है. तो जब मैंने पढ़ा और उसको अप्लाई करना ही तो सबसे बड़ी बात है. हमें बड़े टोटके पता है कि जी ये क्रीम लगा लेंगे या ये टोटका कर लेंगे तो स्किन ब्लश होना शुरू हो जाएगी. एग्जांपल, बिकॉज़ गर्ल्स, वुमेन कैन रिलेट टू दिस. या कुकिंग शो के हवाले से आप देख लें जी, हमें पता चलता है इसमें इतने अदरक डालें, इतना ही डालें तो ये घंटिया बड़ी अच्छी बन जाएगी. एग्जैक्टली. तो जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे इट वोंट चेंज. एंड एब्सोल्युटली आई डिड. इफ यू नो समथिंग एंड यू डोंट अप्लाई इट, हाउ कैन यू नो मिरेकल्स गोइंग टू हैपन? तुम अब ज्यादा पॉजिटिव शख्स हो. मुझे लगता है हमेशा से थी, एंड इट्स बिकॉज ऑफ माई मदर. माई मदर इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. वो उन्होंने दुनिया को पॉजिटिविटी दी है, दुनिया के लोगों को पॉजिटिविटी दी है. शी इज़ बीन सो सपोर्टिव फॉर अदर पीपल. मुझे सबसे पहला जो पॉजिटिविटी मिलती है, मिलती रहेगी, जो सबक मिला वो घर से. माई मदर, माई मदर नेवर रेड द सीक्रेट, बट शी न्यू द सीक्रेट. शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल. सो उससे फिर जब मैं सीक्रेट पढ़ा रहा हूँ तो मम्मी को बताया करती थी, मम्मी देखिए ऐसे कहती हैं, आराम से रहो, ये बातें सारी मुझे पता है पहले, तुम बुक्स पढ़ के कर रही हो. आई हैव अप्लाइड दैट ऑल माई लाइफ, बिकॉज माई लाइफ हैज़, मतलब मैंने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं. इफ आई एम सिटिंग हियर टुडे, आई वॉन्ट से कि जी मेरे पास कोई प्लेट में गोल्डन नवाला किसी ने खिला दिया और वट एवर. माई मदर हैज़ स्ट्रगल्ड, आई हैव स्ट्रगल्ड, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट. देर वॉज दिस टाइम व्हेन आई हैड नथिंग. I'm not saying that today I have a lot or I have made a lot of money. I might not have that because, but I'm content and happy because now I know. सिर्फ पैसे से ही खुशी नहीं मिलती. मैंने बड़े बड़े पैसे वालों को नाखुश देखा. नाखुश, terrible, terrible देखा है. और वो सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं. And they get also, but they don't know what. When they get everything, then they say, "Oh, this is not what we wanted." Struggle की जो तुम बात कर रही हो, professional context में बहुत struggle तुमने कहा, बहुत की. Absolutely. उस struggle के दिनों की कोई एक बात जो आज भी नहीं भूलती, कोई एक जुमला किसी का, कोई वाक्या. When I started my career, मतलब जब मैंने drama करना शुरू किया. तो शुरू में मैं बिल्कुल बहुत बुरी एक्टिंग किया करती थी. मतलब व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग फैमिली फ्रंट, व्हेन आई यूज्ड टू बी देयर, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं व्यूअर हूँ. व्हेन आई यूज्ड टू सिट एंड पीपल यूज्ड टू एक्ट, लाइक अच्छा मैं हंस रही हूँ, तो मुझे डांटें पड़ती थी. बट आई स्टिल रिमेंबर दिस टाइम बिकॉज मुझे रिप्लेस किया गया था एक किसी और से. सो व्हेन आई सैट देयर, तो मुझे जब मैं अपने शॉर्ट्स करा रही थी तो somebody was there. I'm not going to take that somebody's name. That person is like very close to me now. मतलब he's like my brother. But उसने एक जुमला कहा. बस he said something
एंड दैट और लोग ये समझते हैं कि मुझे मेरी नेचर में ऐसा है, द मोर यू डिस्करेज मी द मोर यू नो अंदर से निकल गया मुझे वो इनकरेजमेंट कि मैंने ये प्रूव करना एंड आई एम लाइक या नॉट टू देम पीपल आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी myself, my inside, to sort of prove that to myself. Ki, kya kaha tha? Wo jumla kya tha? Hi, oi, Meera. Because Meera used to, mere ho rahe the insertions, I was like, maine ek dafa kiya, dusri dafa kiya, teesri dafa kiya, chauthi. I was like, hi, oi, Meera, kithe chali gayi hai? Okay. Theek hai? To uska, yani, And I was there and I had tears. Tumse pehle jo kirdar kari, usko Meera ko yaad kiya gaya ke. And I knew that I was bad. But I got really hurt, and after that I learned this lesson that don't hurt anybody like this. Because I could. तुम्हें तो lesson मिलना चाहिए कि hurts everyone like this ताकि वो उसके. But नहीं तो ऐसी कि everybody is not like me. I know. I'm not saying कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मगर लोग discourage हो जाते हैं. There are different ways. But I'm thankful to that person. I salute that person कि उसने किया, and today I am. और एक चीज ये कि जब मैं शुरू में काम कर रही थी. तो बहुत हार्ड टाइम मुझे मिला जिसने भी दिया व्हाटएवर तो मैं जब वापस आया करती थी ना तो मुझे उस वक्त काम करना होता था आई हैड नो चॉइस टू लीव बिकॉज आई हैड टू अर्न आई वॉज नॉट वन ऑफ दोज पीपल कि मैं कहूँ कि जी माई मदर वॉज वर्किंग माई फादर वॉज वर्किंग बट मैंने बचपन से जिस तरह से उनको मेहनत करते हुए देखा आई थॉट आई नीड टू सपोर्ट देम सो जब व्हेन आई स्टार्टेड मतलब वर्किंग एंड ऑल दैट तो वो मुझे एक गुड फीलिंग होती थी And then I didn't want to let go of that. But मुझे जब hard time मिलना शुरू हुआ तो I was like कि मैं छोड़ भी नहीं सकती और it's so difficult for me. तो जब मैं वापस आई और मैं मम्मी के सामने रो नहीं सकती I only cry in front of my God. So I couldn't even cry in front of my mother. So मैं जब रास्ते में आया करती थी तो रोती थी गाड़ी के अंदर मैं बैठ के आई उसको cry और ठीक कर लेना कि मम्मी को ना पता चले कि मैं रोई हुई So you know that was a hard time. It was difficult. But that's life. अगर सब कुछ अच्छा अच्छा हो ना तो फिर इंसान मंझता नहीं एज अ पर्सन शायद मे बी एज एन आर्टिस्ट तुम जो इतनी यू नो एक सबस्टेंस आया है शायद वो हार्ड टाइम्स जिंदगी के उतार चढ़ाव पर्सनल लेवल पे भी प्रोफेशनल लेवल पे भी देखे तो शायद ये प्रोडक्ट बनती है ना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी ग्रीफ और दुख और कई दफा आप किसी का दुख चोटें जो है ना वो बड़ी जरूरी होती है आप किसी का दुख कैसे समझ सकते हैं वैसे कईयों को बड़ा दुख होता है वो भी नहीं समझते बट आप किसी का दुख कैसे समझ सकते हैं जब तक आपको खुद चोट ना लगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ रूज का कौन सा था मेरा वो हर मोमेंट बहुत हैप्पी होता है व्हेन माय मदर इज हैप्पी बिकॉज़ ऑफ मी माँ के अलावा कोई जिंदगी नहीं तुम्हारी माँ से बढ़कर क्या है जिंदगी में इसमें कोई शक नहीं लेकिन हैप्पीएस्ट मोमेंट व्हेन यू फेल्ट टू बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड ओके उस तरह से हैप्पीएस्ट वो भी किसी के लिए वजह से था किसी के लिए था कि There was this girl who used to work for me and मियाँ बीवी रहते थे और बहुत लड़ाइयाँ होती थी उनकी और हर वक्त लड़ा करती थी वो उसके साथ तो मैंने उसको एक दिन बिठाया और मैंने उसे बताया कि देखो हस्बैंड के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और फिर मैंने खुद अपनी रिसर्च की सारी मैंने अपनी बुक्स निकाली तौज़ुल मिसाइल निकाली मैंने अहदीस निकाली एंड कुरान शरीफ की आयात कि औरतों को कैसे करना चाहिए बिकॉज मैंने पढ़ चुकी हुई थी उसको समझ आई रेड दैट एंड आई मेड हर अंडरस्टैंड एवरी थिंग एंड आई वो पढ़ी लिखी हुई थी मैट्रिक किया और उसने पढ़ा उसको एंड शी अंडरस्टूड दैट एंड शी स्टॉप फाइटिंग अदरवाइज उनका कुछ ना कुछ ख़त्म होने वाला था एंड शी स्टॉप फाइटिंग विद हिम Later on, things didn't work out in between them. But at that particular point in time, things went fine. And she came up to me and she's like, Baji, aapki wajah se mera ghar kharab nahi hua. And that was a very happiest moment because I think kisi ko, do logon ko saath rakhna, mera khayal hai, it's the biggest thing, as they say, thoda religious ho jayega, but as they say, ki hazaron, lakhon, raaton ki ibadat se bahut behtar hai ki do rooton ko aap mana lein. रूज मेरे साथ मौजूद हैं एक छोटा सा वक्फा लेंगे सुबह पाकिस्तान के इस खुसूसी सेशन में जो हमने यहाँ सजा रखा है लाहौर सेंटर पे रहिए मेरे साथ अभी मिलते हैं
जी जनाब वेलकम बैक, ये है सुबह पाकिस्तान और मेरा साथ दे रही है उरूज नासिर। उरूज, खूबसूरत लगना कितना जरूरी होता है? बहुत जरूरी है, मगर मुश्किल भी उतना ही है। मुश्किल भी बहुत उतना मुश्किल है यार, इट्स सो डिफिकल्ट कि अपने आप को बिकॉज़ मेरी नेचर हसीन रखना और हसीन नजर आना हर वक्त रखना। देखे नहीं, या इंसान होता है हसीन या नहीं होता, रखा नहीं जा सकता। मतलब बड़े खूबसूरती से रूज ये कहना चाह रही है कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं खूबसूरत लग आई डिडंट से दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट बहुत मुश्किल है फॉर मी बिकॉज मैं बिल्कुल भी ना, मुझे कपड़ों का पता है, मुझे बना के दे दें आई कैन कैरी द क्लोथ्स, बट इट्स सो डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्चुअली डिज़ाइन एंड सिट। मुझे ना कपड़ों का मटेरियल का पता होता है, कुछ नहीं मुझे पता कि क्या है। जिस तरह लड़कियों को पता होता है फोन है, ये तो शिफोन है, है तो ये मैं कहती हूँ बस ये बहुत अच्छा है, जो भी है आई कैन कैरी इट। एंड बेसिकली आई एम अ सिंपल पर्सन, मुझे मगर ये कि विद टाइम मैंने आई हैव मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट टू लुक लाइक दिस, टू लुक गुड। या इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, पता है टाइम बड़ा लगता है। हम तो चलो जी मतलब टी शर्ट चढ़ाई और भागे exactly. और जनाब बाल नहीं, आजकल तो मर्द भी बहुत कर रहे हैं। हाँ वो खैर लिमिट नहीं है कोई, लेकिन हाँ। मतलब मर्द के लिए आसान है, आसान इट्स कंपैरेटिवली ना भी कर लेंगे यार, 15 मिनट मतलब 10 मिनट में तैयार हो, मतलब कितनी, मैं तो खैर 5 मिनट मतलब 10 मिनट लगा लूंगा, 15 मिनट लगा लूंगा, जिस दिन बहुत दिल करेगा बाल बनाने का या बहुत दिल कर रहा है ऐसे। लेकिन ख्वातीन के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, इट इज। बट यू टेल मी दैट आज तुम्हें तैयार होने में कितनी देर लगी? 15 टू 20 मिनट्स यू टेल, मतलब 15 20 मिनट्स इज प्रीटी, हां इट्स क्विक। मतलब अगर मुझे वैसे कहीं जाना है, मतलब किसी ने कहा है कि जी रेडी रहो आई एम कमिंग टू पिक यू अप एंड लेट्स गो, एंड आई इफ आई हैव 5 टू 7 मिनट्स आई विल गेट रेडी इन दैट टाइम। मतलब मैं आई एम नॉट दैट फसी कि आई विल टेक, अगर टाइम हो मैं घंटा घंटा भी लगाती हूँ। देर आर टाइम्स, देर आर डेज व्हेन यू जस्ट वांट टू टेक टाइम एंड यू नो डू योर सेल्फ एंड मेकअप करना एंड स्टफ लाइक दैट, सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइम, बट इट्स डिफिकल्ट, यस इट इज। तुम बहुत ज़्यादा जो अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि मैं माँ के सामने रो नहीं सकती या रोना मैंने सिर्फ अकेले होता है और ड्राइविंग करते तो वो ड्राइविंग करते हुए रोने का कोई मुझे जरा थोड़ा सा डिटेल में उस पे जा रहे थे, बड़ी तुम फलसफे के उरूज पे पहुंची हुई थी, उरूज पे पहुंची हुई थी तो मैंने उस लेकिन मैं टोका नहीं लगा, मैं पूछने लगा था कि यार ये तो बड़ा दिलचस्प है कैंडिड कैमरा, व्हाट इट्स अ वेरी क्यूट क्वेश्चन बिकॉज़ आई रियली वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन, इट्स सो फिल्मी, आई लव इट। मैं गाने लगा के रो रही होती हूं एंड आई डू दिस एंड आई डू दैट, और फिर जब लोग मुझे देख रहे होते हैं ना तो मैं फिर देन आई एम लाइक ओके इशारे पे खड़े हो नहीं, हां वो उस वक्त मैं चुप कर जाती हूं, बट आई फाइंड इट सो फिल्मी एंड आई लाइक इट, आई लाइक इट। रोना कितना जरूरी होता है इंसान, बहुत ज्यादा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स लाइक ब्रीदिंग, इट्स लाइक हैविंग योर फूड, इट्स लाइक स्माइलिंग, इट्स लाइक टीयर्स आर लाइक रोना इज लाइक स्माइलिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे वो लोग बहुत, मुझे लगता है वो लोग कैसे रह रहे होते हैं जो रोते नहीं हैं, इतना खूबसूरत अमल है रोने का, इतना इट्स ज़रूरी नहीं है कि इंसान दुख में रोए। मुझे जब मुझे व्हेन आई एम ब्लेस्ड, व्हेन आई फील दैट ओ माय गॉड थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर मी, अल्लाह का इतना करम है मेरे ऊपर, आई एम सो ब्लेस्ड, मुझे खुशी से आंसू आ जाते हैं एंड आई थैंक माई गॉड एट दैट टाइम, यू डोंट नीड टू बी सैड टू क्राई। और कोई मर्द अगर रोए उसको भी इजाजत, व्हाई नॉट, मर्द और औरत का क्या है, मर्द के दिल में भी, मर्द के भी अंदर दिल है, मर्द के पास भी फीलिंग्स हैं। मुझे लगता है मेन आर मोर इमोशनल आजकल के ज़माने में, हर ज़माने में खैर आजकल का क्या, बट मेन शुड क्राई। हम लोगों ने खौल चढ़ा लिया है अपने ऊपर, मर्दों ने खास तौर पे, कि मेन कैन नॉट क्राई। आई इन माई हाउस आई एम लाइक अ मैन, दैट्स वाई आई कॉन्ट क्राई इन फ्रंट ऑफ फैमिली बिकॉज आई give them sort of strength. I'm the pillar of strength for them. I that's the reason I can't cry. So I can relate to men. Wo kyun nahi rote apni biwi ke samne ya apni maa ke samne apne bachchon ke samne, I can understand that, but they should cry and I'm sure they do because wo nahi rote to bahut, agar jo log nahi rote unke andar badi tod phod aur halchal hoti hai, rone se cheezein smooth ho jati hain. Waise to ye bhi do you cry?
I do, yes. You should. It's very healthy. बड़ा healthy. मैं तो कहता हूँ कि ये तो बड़ा इंसानियत के करीब अमल है. बिल्कुल. लेकिन एक एक मगर मगर मच के आंसू ना हो. वो किसी के सामने हो सके. हाँ. लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो मर्दों को हार्ट अटैक ज्यादा होता है औरत से मर्द को, इट्स अ प्रूवन फैक्ट. उसकी वजह भी ये है कि वो प्रेशर बहुत ज्यादा लेता है और उसका आउटलेट नहीं हो रहा होता. शायद एट अ सर्टेन स्टेज उसके हार्ट पे प्रेशर. बिल्कुल. लेकिन और आपने एक चीज नोटिस करें, अगर आप इन जनरल लुक अराउंड, आई हैव नोटिस दिस, मेन डाई बिफोर वुमेन. मतलब आप देखें, माई अल्लाह मियां माओं को हमेशा सलामत रखे, बट इन जनरल मेन गो early because of the pressures and because lekin wo rone wali baat hai ki hum bacche ko bachpan se keh dete hain nahi 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 beta mera bahadur sher beta na na rona nahi hai ladke nahi rote kul tumko ladki ho jo tum ro rahe ho bilkul to ye mindset bhi hum bacche ka shuru se bana dete hain bilkul aise hi wo shayad tum keh rahi ho na ki mard nahi rote wo aurat bhi kai dafa ye expect kar rahi hoti hai ki isne to ek pillar of strength banna hai mere liye agar ye ro pada to fir mera kya hoga. So, I think, but you're so very right के दोनों के अंदर दिल है. जो है सबसे ज़्यादा fun का दिल कर रहा हो और उरूज का कोई contract हो गया हो, कोई बड़ी fit किस्म की किसी cellular company से या किसी soap से या किसी detergent से, और जितने पैसे मांगे थे उरूज ने उतने पे ही हाँ हो गई है, और बस आज शाम को उरूज कहती है कि बस full fun time. How will you spend your evening? मतलब मिल गए और how am I going to spend it? हाँ, मतलब उस feeling को और उसको celebration कैसे होगी? With my friends and my family. नहीं, मतलब वो तो ठीक है, करूँगी. मगर क्या करूँगी? I might invite all my friends over, food, खाना मंगाऊंगी, बनाऊंगी नहीं, उस दिन ही बनाऊंगी, मंगाऊंगी. सुन लेना, और सुन लेना, आगे बता रही हूँ, और उसके बाद म्यूजिक लगा के डांस सारे मिलके. I'll dance with my friends. Celebration is dance. Yes, why not? Good. With my friends. खुद क्यों नहीं बनाओगे? बहुत गर्मी है आजकल. अच्छा. प्लस ये कि मैं बहुत थक जाती हूँ. मैं बहुत हर काम बड़ा फोकस करके करती हूँ, तो मैं इतना करती हूँ, मैं बल्कि मैंने देयर वाज दिस टाइम व्हेन आई यूज्ड टू डू कुकिंग शोज, तो मैं भूल जाती थी कि मैं कंपेयरिंग भी कर रही हूँ, मैं कुकिंग ही कर रही होती. तो आई जस्ट वांट टू, इफ यू आर आस्किंग मी द इवनिंग, समबडी एल्स कुक. हां, ताकि तुम सेलिब्रेट कर सको. आई वांट टू एंजॉय. आई विल डांस एंड आई विल चिट चैट. डांस किस तरह का पसंद है? मैं आई एम नॉट अ वेरी गुड वेस्टर्न डांस या बस मिक्सचर अन्नेवा. अब जिनको पंजाबी नहीं आती उनको अन्नेवा कैसे एक्सप्लेन करें हम, ये बड़ा मुश्किल है. दे शुड लर्न पंजाबी, क्योंकि अन्नेवा का कोई तर्जुमा नहीं हो सकता. अन्नेवा. सो अभी तो यू नीड टू बी योरसेल्फ. आई वांट टू बी मायसेल्फ एंड देन आई डोंट I can't do that with anybody and everybody. That's my friends and my family. That's it. Very selected crowd. तुम्हारी जो life है ना उरूज, वो यूं और यूं, हर एक यूं ups and downs होते हैं, लेकिन तुम्हारे कुछ अजीब जायचा जब तुम पैदा हुई थी, कुछ अजीब जायचा कि यूं जाती है और फिर यूं और फिर यूं, और बहुत steep ups and downs है. Are you scared उरूज के जिंदगी में आगे भी अगर यही वाला ट्रेंड रहा तो कोई खौफ है तुम्हें अब फॉर फ्यूचर, लाइक यू नो यू हैव टू गो ऑन विद लाइफ? तुम या खौफ नहीं है. द रीजन फॉर दैट इज, जब चीजें आप अपने हाथ में रखते हैं तो खौफ होता है. मैंने जिंदगी में चीजें हमेशा अपने हाथ में रखी, ये सोचा कि मैं ये नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, मैं घर बनाना चाहती हूँ ताकि मेरी फैमिली उसमें रहे, मैं ये नहीं करूँगी लोग ये कहेंगे. हर वक्त खुद से अपने ऊपर लिमिटेशंस, बाउंड्रीज, हर चीज़ करती रही. बट लेटली आई हैव जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग ऑन माय गॉड. जस्ट वन डे दिस वन थिंग केम टू माय माइंड, दैट गॉड यू आर द बेस्ट प्लानर. Who am I? I have been. So you planned for me. I have been planning my life for last so many years, like 30 years. I've been planning my life for 30 years, and what I don't know what it is. Now, from ये कुछ अर्से पहले मैंने कहा, now today onwards, now you just plan my life. You are a great planner. Please plan my life, and whatever it is, submit. Thank God. चाहे उसमें फिर ups and downs इसी तरह हुए. जो भी हो, जो मेरे रब
की रजा मैं उसमें राजी, दैट्स इट. एंड वन मोर थिंग दैट आई हैव प्रॉमिस्ड टू माय गॉड एंड आई आस्क्ड माय गॉड, आई प्रे दैट गॉड प्लीज आई वांट यू टू यूज मी, आई वांट यू टू यूज मी द वे यू वांट मी टू बी यूज्ड इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ रीजन इन दिस वर्ल्ड. And we don't, we spend our life, we waste our life not knowing what the reason is. And I'm not saying that what my reason, I don't know, but I just want, main Allah se mangti hu ki Allah, jo aap samajhte hain ki jis maqsad ke liye aapne mujhe zindagi mein bheja hai, wo main karun aur us tarah se karun jaise aap chahte hain. So I, maine apna aap apne Rab ke hawale kar diya, submit kar diya, surrender kar diya. Whatever it is, jo mujhe lag raha hai acha hai, वो अच्छा नहीं है, जो उसको लग रहा है अच्छा वो है, और जो होगा वो उसकी मर्जी से होगा. एंड आई विल से थैंक गॉड, आई हैव हार्ड टाइम्स, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव गुड टाइम्स, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स इट. जब तुम्हारी जिंदगी में हार्ड टाइम्स आए थे तो लमिया से गिला कभी किया तुमने? नेवर, नेवर किया होगा. नेवर. इंसान हो तुम? नॉट एट ऑल. नहीं, फरिश्ता या नहीं, नहीं, फरिश्ता ह्यूमन बनने की कोशिश नहीं, नहीं, मत नहीं, करो. नहीं, नहीं, मैं रोती बहुत थी, लड़ती नहीं थी, लड़ी नहीं हूँ कभी भी अपने अल्लाह से, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं. आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. कभी ये नहीं कहा कि व्हाई मी. वैसे नॉर्मली आजकल क्या होता है कि जब इंसान बात कर रहा होता है ना तो साथ वो एस्ट्रोलॉजर बिठा लेते हैं, बताएं ठीक कह रही है. तो यू कैन आस्क एस्ट्रोलॉजर, बिल्कुल यू कैन डू दैट लेटर, बट नो, नो, व्हाई. कभी मैंने कभी इंसानों से भी गिला नहीं किया, करती हूँ अपनी माँ से, सारी शिकायतें अपनी माँ से हैं. हाय हाय, बहुत लड़ाई भी बहुत क्यों किया? नहीं नहीं पैदा नहीं, नहीं नहीं, ये गिला करती हूँ. नॉट एट ऑल. तो फिर क्या अम्मा से गिला करती हो? तो उसके लिए तो शुक्र है मुझे पैदा किया. तो कोई तुम्हारे साथ अगर जिंदगी में बुरा कर गया तो अम्मा बेचारी का क्या कसूर है, उनसे गिला करती? मैं गिला उस चीज के लिए नहीं, इन चीजों की, छोटी छोटी चीजों, मम्मी देर क्यों कर रही है, इन चीजों का. अच्छा, उस तरह जल्दी कर ले, ये क्या हो रहा है घर, व्हाटएवर, इस चीजों के ऊपर. ये नहीं कि मुझे गिला ये है कि मुझे पैदा क्यों किया इस दुनिया में, आई एम नॉट दैट फिल्मी. तो ऐसी हां, सिर्फ गाड़ी के स्टीयरिंग पे रोने की, बस वो सिर्फ, दैट्स वन थिंग. और बट ये कि नहीं, इवन अगर किसी शख्स ने भी बुरा किया कभी, तो कभी भी नहीं, नॉट एट ऑल. वो उनका ज़र्फ उनके साथ, मेरा ज़र्फ मेरे साथ. और कभी जिंदगी में आमना सामना हो जाए तो सलाम बस, और खुश रहें सारे. आई फील हैप्पी व्हेन आई सी पीपल हैप्पी, बिकॉज बीइंग टुगेदर विद समवन, मेकिंग ईच अदर्स लाइफ मिजरेबल, आई थिंक दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स. नोइंग दैट दिस इज योर्स, हैप्पी एंडिंग ज्यादा बेहतर होती है, बट लेटिंग गो. मैंने बहुत लेट गो किया अपनी जिंदगी में, लेट गो सो दैट पीपल कैन स्टे हैप्पी. And then I can stay happy also. रूज मेरे साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर हम पूछना चाहेंगे रूज से कि ये फलसफा और कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ने के बाद और सीक्रेट जैसी किताब पढ़ने के बाद और अपने अंदर की पॉजिटिविटी ढूंढने के बाद और अल्लाह मियाँ से भी कोई लड़ाई कोई गिला ना करने के बाद और ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स के बाद सब कुछ नेचर पे, उस पावर पे, सुपर पावर पे छोड़ देने के बाद अब फ्यूचर प्लान्स क्या है भाई जिंदगी के, कोई मतलब अब ये जरा अल्लामा रूज नासिर का ये जो दर्स है यही चला करेगा? नहीं, नहीं. या कोई प्रैक्टिकल जिंदगी की तरफ भी आना है? रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं. जी जनाब, वेलकम बैक, ये है सुबह पाकिस्तान और आज रूज मेरा साथ दे रही है, रूज नासिर. और ब्रेक से पहले हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि आज रूज सही अल्लामा रूज नासिर वाले मोड़ में है ना. अच्छा जी, ये सारा जो जिंदगी से सीखा भी तो है ना, बहुत 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 जरूरी होते हैं. तो इसके बाद अब आगे क्या मतलब प्लान है जिंदगी के? बस सब कुछ अल्लामिया पे छोड़ा हुआ, नेचर पे छोड़ा हुआ, अचानक एक दिन दरवाजा खुलेगा और एक बंदा आएगा, कहेगा जी मुझे, हेलो एक्सक्यूज मी, मुझे वो नेचर ने भेजा है and I want to settle down with you as your life partner. Aap kehenge acha, oh please welcome, to bade arse se aapka intezar karti hai, aaye baithe chai pi. Matlab obviously you have to plan a bit ke aapne settle down hona hai ya zindagi. But you never know, this happens the way you are saying. Darwaza khulega ek din aur ek banda aake kehega Rooj main tumse shaadi karne lagu, kar logi usse shaadi? Karungi nahi, pehle check karungi inquiry and I istikhara bhi to hota hai na. हाँ. अल्लाह से मशवरा, अल्लाह से मशवरा करूँगा. डेफिनेटली
डेफिनेटली ओके और फिर अगर वो अल्लाह ने इजाजत दे दी और लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है आपसे भी कहूंगी सर इंक्वायरी करें मुझे तो तुम जरूर बताना इसलिए कि सही इंक्वायरी बहुत जरूरी क्योंकि तुम्हें पता है कि पहले मैंने तुम्हें एक दफा कहा था कि इंक्वायरी एंड इफ माय हार्ट विल टेल मी दैट ही इज द वन डेफिनेटली मेरा ख्याल है दिस टाइम यू शुड नॉट लिसन टू योर नो आई डिड नॉट लिसन लिसन टू अदर्स पीपल आई डिड नॉट लिसन टू माय हार्ट पहले भी इट वाज नॉट आई थिंक यू डिड इट्स तुमने अपने बहुत से करीबी लोगों का मशवरा नहीं माना था मुझे शौक बहुत था है ना शौक था दिल नहीं था शौक था दो चीज होती है ना कुछ लोगों को एक्टिंग का बहुत शौक होता है कर नहीं सकते वाह 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 तुम्हारा भी इसी तरह से शौक था बचपन से अच्छा बचपन से शौक बचपन से आप देखिए मैं आप कभी घर आए मैं आपको बताऊंगी मेरी दुल्हन बनने की सारी तस्वीरें जो हैं हाय क्यूट बचपन से शौक था तो व्हेन समबडी केम एंड ही सेड के नथिंग बट शादी तो यही है यही है जी फटाफट वो तस्वीरें निकाली because I thought that person is not there to just you know pass time or anything if it's so that means intentions are right magar because I was too young so you know aapko nahi samajh aati cheezon ki aur होता है दुनिया है चलता है कोई मसला नहीं लाइफ गोज ऑन अगर बुरा ना आए तो फिर अच्छे का कैसे पता चलेगा ओके जिंदगी अच्छा जी तो वो जो दरवाजा खुलना है एक दिन घंटी बजनी है और किसी ने आना है वैसे वो हाँ ये वो जल्द हो जाएगा वैसे मुझे लग रहा है ना क्योंकि तुम आज इतनी अच्छी लग रही हो ना मुझे भी यही लग रहा है मुझे लग रहा है बिकॉज़ माय माय द सीक्रेट दैट आई नो आप यकीन करो कि वो सीक्रेट बल्कि वो इफ़ यू वॉच द डॉक्यूमेंट्री उसमें कहते हैं कि जी वो छोटी छोटी चीज़ों से यू स्टार्ट तो उसमें एक उन्होंने एग्जांपल दी कि देयर इज़ दिस गाय हु वुड थिंक कि मैं इस जगह पे पार्क करूँगा तो एक दिन गया नहीं थी दूसरे दिन गया नहीं थी तीसरे दिन के बाद ऑनवर्ड उसको वहीं पर पार्किंग मिलती थी एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग दैट इन माई लाइफ आई वुड फोकस दैट आई वॉन्ट टू पार्क माई कार देयर आई वॉन्ट टू पार्क माई कार देयर एंड आई गेट द पार्किंग इट हैपेंड विद मी So I have started applying that in my life as long as my personal life is concerned. And when you apply that, you need to have that faith, that connection with God that it absolutely is going to happen. So if you have focused, if you have 2010 ka aadha guzar gaya, aadha to nahin guzara, takriban hum aadhe ki taraf hai. So 2010 will be the year of my marriage. If you focus, kar lo to ho. Ho jayega, bilkul ho jayega. Karo focus. क्यों अच्छा है ना करो ओके इफ यू से सो है ना फोकस करो एंड लेट्स सी एक अकलमंद इंसान की बात मान लेते हैं तुम मुझे अकलमंद समझती हो नहीं उफ ना करूं फोकस पे ये तुम अपने तुम्हारा काम ही नहीं मगर आपके साथ तुम लोगों का रीड ही गलत करती हो आप ये तो है मगर आपके साथ-साथ और बहुत सारे अकलमंद लोग हैं जिनको मैं जानती हूं जिनका यही मशवरा है हां लो जी ये 2010 का अभी दरमियान एंड मतलब हाफ भी नहीं हमने गुजरा और आज उरूज कह रही कि इन्होंने फोकस कर लिया है और वो कनेक्शन और वो फोकस और सीक्रेट की डॉक्यूमेंट्री और सीक्रेट की बुक और वो पॉजिटिविटी तो 2010 विल बी द ईयर ऑफ योर सेटलिंग डाउन इंशाल्लाह 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 एंड बल्कि मैं भी और फिर तुमने मेरे शो में आना है उनके साथ जरूर Definitely. उनको इजाजत होगी या नहीं उनको देखूंगी देखूंगी नहीं तुमको देखूंगी कितना सोना है कि उसके बाद उसको मैंने टीवी पे लेके आना है कि नहीं कि उसको नजर ना लग जाए नहीं दिल का सोना अगर होगा तो शक्ल जैसी भी हो शक्ल से मुझे फर्क नहीं पड़ता और पढ़ना भी नहीं चाहिए दिल का होना अच्छा बात जरूरी है एक खूबसूरत चीज सामने पड़ी हुई है मगर वो आपको हार्ड टाइम दे रही है या आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते क्या फायदा उसका अब आपसे बात ही नहीं कर रही नहीं ब्यूटीफुल डॉल्स कैन नॉट मेक यू हैप्पी कुछ जानवरों का शौक है तुम्हें मुझे हाँ बिल्ली अच्छी लगती है मगर ऐसे पेट्स रखे हुए नहीं है बट आई लव चिल्ड्रन एंड आई लव एनिमल्स वैसे जनरली यू आर एन एनिमल लवर आई एम बट कुछ डॉग्स को दूर दूर से ठीक है बट दूर से सलाम दुआ हाँ दूर से सलाम दुआ मगर मुझे अच्छे लगते हैं एनिमल्स आई लाइक देम या कि उनको जिंदगी में रहे तो कोई हर्ज नहीं है सच किस तरह का शो करना चाहोगी होस्ट कोई एक ड्रीम शो तुम्हारा
as a host? As I told you that my prayer to my God is that God use me in the best manner, the way you want me to be used. That's my prayer, as long as even my work is concerned. So I want to do something. I don't know what, I don't know how and when, but I know I want to help people. I want to make their lives easy, not to get ratings, but genuinely. ये तो बड़ा ही एक मसालेदार पॉइंट छेड़ दिया है अलामा रूज ने. नहीं, generally being there for them, so that ये जो प्लेटफॉर्म जो हमारे पास बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उसको मीडिया का किस तरीके से पॉजिटिवली इस्तेमाल करके आप लोगों की जिंदगी को आसान बना सकते हैं. मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रही, मैंने एक इन जनरल बात की है. इंटेंशंस की बात होती है ना. हाँ, कि रेटिंग्स या पैसा या वो इंटेंशन. कई लोग खूबसूरत तैयार होते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू लुक ब्यूटिफुल. कुछ लोग तैयार होते हैं कि वो मुझे देखे. कुछ लोग तैयार होते हैं कि लोग मुझसे जेलस हों या मुझे देख के कहें ओह ये, और उनको हो. तो ये आपकी नीयत की बात होती है. मेरी, मैं अपनी नीयत आपको बता रही हूँ कि उस शो में तुम्हारी नीयत ये होगी कि लोगों का उसमें भला हो, चाहे उसकी रेटिंग्स हैं नहीं है, उसमें पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा, मतलब व्हाटएवर. दैट्स व्हाट इट इज एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ. को मदर टेरेसा टाइप कोई जिंदगी गुजारनी नहीं. आई एम शी इज अ ग्रेट वुमन. ऐसे वाकई मैं सोच भी नहीं सकती. हम अपनी अपनी कैपेसिटी में जो कर सकते हैं. और आपको मदर टेरेसा जैसे काम इसलिए नहीं करने बिकॉज आपने मदर टेरेसा बनना है. आपको अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना है ज़िंदगी के अंदर. आई जस्ट वांट कि मेरा कंट्रीब्यूशन जो जिस भी लेवल पे मैं दे सकूँ, आई वांट टू डू दैट. रूज नासिर की सबसे ज़्यादा बुरी आदत तुम्हें क्या लगती है? बहुत सी हैं, बट थोड़ी अग्रेसिव हो जाती हूँ, गुस्सा आ जाता है. और उसके लिए बहुत रेमेडीज़ भी की हैं. आई वेयर स्टोन्स, आई वेयर पेरीडॉट सो दैट कूल डाउन रहूं. पेरीडॉट वाज स्टोन, इट्स नॉट माय स्टोन बट आई वेयर इट टू काम माय सेल्फ डाउन. बड़ी रिसर्च की है. पेरीडॉट से बंदा, या जिनको गुस्सा आता है औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं उस वक्त वो ठीक हो जाता है. बिकॉज मुझे लगता है गुस्सा शैतानी अमल है और गुस्से से और कुछ नहीं ख़राब होता मगर आपके रिलेशनशिप्स. और मेरे लिए और अपनी हेल्थ और मेरे लिए ज़िंदगी में मेरा सब्जेक्ट भी रिलेशनशिप्स हैं और मेरा फोकस भी रिश्ते ही है. और अगर वो ही ख़राब हो जाए इस गुस्से की वजह से तो मेरे ख्याल है मेरी अंदर की अपनी शख्सियत की सबसे बुराई यही होगी. तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी ज़िंदगी में अगर कोई रिलेशनशिप्स टूटे या ख़त्म हुए या ख़राब हुए तो उसमें तुम्हारे गुस्से का भी अमल था? हो सकता है, डेफिनेटली, वाई नॉट, ऑब्वियसली हो सकता है. कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको किस चीज़ पे गुस्सा चढ़ता है, यू टेक अ डिसीजन लाइक दैट. बट इन पर्टिकुलर आप जिसकी बात कर रहे हैं, नो, बट रिश्ते ख़राब हो जाते हैं गुस्सों की वजह से इन जनरल और नहीं होना चाहिए. तो तुम उस पे कंट्रोल देखो ना, आपको ज़िंदगी में जब आपको किसी चीज़ का पता चल जाता है कि आपके अंदर ये खामी है, आधा काम तो वहाँ हो गया, वहाँ पे होता है. और आप एक्सेप्ट कर लो, आप रियलाइज़ कर लो और उसके बाद ऊपर व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग. अभी मैं एक एस्ट्रोलॉजर साहब के पास एक शो में कल बैठी हुई थी तो उन्होंने कहा कि जी ज़िंदगी में, मैंने कहा इट्स सो डिफ़िकल्ट. आप कहते हैं कि जी अब ये दिशा चल रही है और ये हो गया और अब वो हो गया, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट कि आप इस दिन ये करें. मैंने कहा आप मुझे बताएं एक बंदे का कितना अमल दखल है, एक शख्स का कितना अमल. सितारे तो चल रहे हैं, वो अल्लाह की ज़ात सितारों को जब बदलने पर आता है, अच्छी हवाएँ चलाने पर आता है तो वो यूँ चलती हैं, ठीक है. बट ये कि आपका एक शख्स का कितना अमल दखल है. उन्होंने कहा 70%. मैंने कहा देन आई डोंट नीड यू बिकॉज़ आई हैव द 70% कंट्रोल, यू हैव 10%, राइट, या 10 या 20, व्हाटएवर. आई नीड टू, एंड समबडी वाज आस्किंग मी द अदर डे कि आप किस चीज को मारना चाहती हैं, किस शख्स को मारना चाहती हैं. मैंने कहा किसी चीज को नहीं मारना चाहते. आपके अंदर एक नफ्स है, आप उसको मार लें, आप अपने आप को समझ जाएं. मेरे प्रोग्राम्स के अंदर जो सवाल होते हैं वो यही होता है, टू नो योर सेल्फ. हाउ मच डू यू नो योर सेल्फ, वॉट डू यू नो योर सेल्फ, डू यू डू योर एनालिसिस, अपना सेल्फ एनालिसिस करते हैं. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पहले खुद समझें, खुद देखें कि आपके अंदर क्या है. दूसरों के ऊपर क्यों उंगलियाँ उठाते हैं आप? वी आर ऑल जस्ट सिटिंग देयर एंड फोकसिंग, अच्छा यार उसमें ये बुराई है, अच्छा ये उसमें. आप ये देखें कि क्या वो बुराई जो उसमें है कहीं आप में तो नहीं है.
सबसे बड़ी बुराई तो आप में ही है कि आप दूसरों की बुराइयां देख रहे हैं। खुद कभी प्रोडक्शन वगैरह में नहीं आना? Definitely, very soon. Very soon. इंशाल्लाह। प्रोडक्शन या डायरेक्शन या बोथ? खुद डायरेक्ट भी करोगी, खुद होस्ट भी करोगी, लेकिन खुद प्रोड्यूस भी करोगी? लेकिन जो डायरेक्ट करूंगी उसको प्रोड्यूस नहीं करूंगी। अच्छा। और होस्ट भी नहीं करूंगी। ओके, वो सिर्फ एज ए डायरेक्टर? एज ए डायरेक्टर करूंगी, लेकिन जो होस्ट करूंगी उसको प्रोड्यूस करूंगी। जो होस्ट करोगी उसको प्रोड्यूस करो? यार ये कंफ्यूजन बहुत बड़ा है। प्रोडक्शन एंड होस्टिंग कैन बी डन टुगेदर। हां, कि आपने व्हेन आई एम डायरेक्टिंग, डायरेक्टर इज फिर आपका कंसंट्रेशन जो है वो, एंड दैट वुड बी लेटर बट वेरी सून इंशाल्लाह प्रोडक्शन। और डायरेक्शन क्या, कोई शोज एंड स्टफ लाइक दैट? इनिशियली शोज, बट इवेंचुअली आई विल गो फॉर सम डिग्री एंड देन आई विल कम टू डायरेक्शन। और नी डायरेक्शन ऑफ व्हाट? ड्रामा? प्लीज, वेरी लेटर इन लाइफ, दैट्स अ लेटर प्लान। बड़े प्लानिंग है करके, प्लान ये सोचा हुआ है, प्लानिंग नहीं, बस ठीक है सोचा हुआ है, हो गया ठीक है, अगर नहीं तो मर नहीं जाऊंगी, क्या है मैंने कहा था तो अब करना है। लेट्स सी हाउ लाइफ गोज, लाइक एक बोट है ना जिंदगी, आप उसके अंदर बैठे हुए हैं और आपको जैसे जैसे समुंदर की लहरें आती हैं आप चलते चले जाते हैं, तो देखें कहाँ पर बहाव जिंदगी का लेके चलता है। तुम्हारी जो प्लानिंग है लम्हे उसको कामयाब करें जितनी भी है, और आई लुक फॉरवर्ड रूज के, हमारी वैसे तो मुलाकात होती रहेगी, लेकिन आई लुक फॉरवर्ड कि तुमने आज इस शो में बैठ के जो अपना फोकस बनाया है, जो आपने बनवाया मुझसे, जो मैंने बनवाया, लेकिन बनाया तो तुमने भाई, मैंने तो सिर्फ मशवरा दिया था। तो अल्लाह करे अगले 3-4-5-6 महीने में कोई कुछ ऐसा हो कि वो फोकस हो और वो दरवाजा खुले और कोई आके कहे कि रूज आई वॉन्ट टू मैरी यू, और तुमको अच्छा जरा आप चाय पिए, मैं जरा 2-3 लोगों को फोन कर दूं इंक्वायरी के लिए, तो सीख ये आया है बंदे, इसका नाम ये, जरा इंक्वायरी करो। और आई जस्ट वांट ऑल माय व्यूअर्स एंड द पीपल हु आर वाचिंग दैट प्लीज प्रे फॉर मी। यस, वी ऑल विल। दैट्स ऑल व्हाट आई वांट, मुझे जिंदगी में किसी से कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए, क्योंकि जब आप दुआ देते हैं तो अल्लाह मियां आपकी मुश्किलें हल कर देता है। Keep praying for me and for others, and I'll pray for you. God bless you all. और तुमने उसको लेके फिर आना है? Definitely. ठीक है? Definitely. हाँ, फिर मैं उसे पूछूंगा कि अच्छा दरवाजा खुला था तो सामने वही देखा था, तो पहले पढ़ा क्या था और पहले क्या हुआ और फिर बाद में क्या हुआ? फिर बाद में क्या? Yeah, that's. Thank you so much, Ruj. Yeah. खुश रहो, जीती रहो. Thank you. Good luck. थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा और उरूज नासिर का, अल्लामा उरूज नासिर का साथ दिया आज। जुगन भी यही कहती है। अच्छा, वो मुझे मौलवी कहती है। अच्छा, वो मौलवी कहती है, देखो अल्लामा मतलब तो कुछ है कुछ, बट यू कैन से आई एम अ मॉडर्न अल्लामा, मॉडर्न मौलवी, नो? और डू आई साउंड? नहीं, दाढ़ी तो मुझे नजर नहीं आ रही, दाढ़ी नहीं नहीं नहीं, यू डोंट साउंड वेरी वेरी, but the kind of being close to God is not being maulvi. Exactly. Listening. नहीं, मैंने उस वजह से नहीं कहा था, मैंने तो उस फलसफे की वजह से कहा था, अल्लामा तो अल्लामा होता है, right? जिंदगी और positivity और secret और माशाल्लाह, absolutely learning so much from life. That's the beauty of life. That is the beauty of life. आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मेरा और रूज का साथ दिया, जिंदगी ने दी इजाजत, तो फिर मिलेंगे किसी और मेहमान के साथ, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।